अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत वाफ़त के साथ हो गए आइए इन शज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर टू टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन पढ़ेंगे देखिए आप पेज नंबर देख सकते हैं पाँच सौ बयासी पेज है देखिए अब जो सबक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दफ़ आसेब वरद दे सहर की छः दुआएँ यानी आसेब यानी जो असर वगैरह होता है ना इंसान के अंदर ठीक है वो उसका दूर करना रद्द शर्मा ने जादू को दूर करना इसकी छः दुआएं इन छः दुआओं को शश कुफले यानी छः ताला भी कहते हैं जो शख्स रात को हमेशा शश कुफले पढ़ता रहे या लिख कर अपने पास रखे वो हर खौफ व ख़तरा से और जादू से और हर किस्म की बलाओ से महफूज़ रहेगा और अगर शश कुफले को आसेज़दा या सहर व जादू के मरीज़ के कान में पड़ कर फूंक मार दी जाए तो आसे भाग जाएगा और जादू उतर जाएगा देखिए कौन सी है कुफले अव्वल यानी पहला जो पहली दुआ या पहला ताला कह सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसमिल्ल सम्बशी अलजी लईस कमित शय व्याकली शईन कदीर ये कोई अब ये कुफले दम है ना بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الخلاق العليم ياجسكوميلا كريستاربي بدلينج بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم استرقوا فلسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو العليم البصير استدرة قفل شهرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو الغني القدير قفل قنجم يعني 5 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثل شيء وهو العزيز الغفور استرق قفل ششم يعني چھٹی دعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثل شيء وهو العزيز الغفور هنا وهو العزيز الغفور الحكيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين دیکھ जालिम और शैतान के शर से पना इसके लिए हज़रत अनस अनसाबी रदी अल्लाह दुआ बेहद नाफ़े और बहुत ही फ़ायदा बख्शे इमाम हज़रत शेख़ अब्दुल्हक मुहदस रहाम आई ने अपने एक मकतूब में इसको पूरी तफसील के साथ बयान फरमाया है कि इस मकतूब का नाम इसतनासलवारीकसीफ़ी शर दुआई अनसी अनस्क है हजरत अनिस की दुआ की एक तबसीर है।, है ये मकतूब अखबारुल अखियार वन नाइन वन के हाशिया पर छपा है इसमें आप लिखते हैं देखिए क्या इमाम जलालुद्दीन सयोदर रहमत आड़ी जमाजवा में मददस अबूशेख़ की किताब और तारीख़ इब्ने असाकिर से नकल करते हैं कि एक रोज़ हजाज बिन यूसुफ़ शफ़ी ालिम गवर्नर ने हज़रतानस को मुख्तलिफ अकसाम के चार सौ घोड़े यानि अलग अलग कैटेगरी के चार सौ घोड़े दिखाकर कहा कि ए अनस क्या तुमने अपने साहिब यानी रसोल्ला सल्स के पास भी इतने घोड़े और ये शान शौकत देखी है ठीक है अब साहबी का जवाब सुने हज़रतान सरदील्ल्ला तरमाया कि खुदा की कसम मैंने रसूल सल्हलम के पास इससे बेहतर चीज़ें देखी हैं और मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि घोड़े तीन तरह के हैं एक वो घोड़ा जो जिहाद के लिए रखा जाए फिर उसके रखने का सवाब बयान फरमाया यह आम तौर पर हदीस की किताबों में मौजूद है दूसरा वो घोड़ा जो अपनी सवारी के लिए रखा जाता है तीसरा वो घोड़ा जो नामोनमुद के लिए रखा जाता है इसके रखने से आदमी जहन्नम में जाएगा ए हजाज तेरे घोड़े ऐसे ही हैं नीस दिखाने के लिए रखे हजाज उस हदीस को सुनकर आंख बबूला आंख बगूला हो गया और कहा कि अनस अगर मुझे अगर मुझको इसका लिहाज न होता कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है और अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तुम्हारे साथ रियायत करने की हिदायत की है तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा मामला कर डालता देख आगे हजरत ने नूर अल्लाह कि किज कसम ब खुदा तू मेरे साथ कोई बद बदवानी नहीं कर सकता मैंने रसोल्ला सल्ला वसम से चंद कलीमात सुने हैं जिनकी बरकत से मैं हमेशा अल्लाह पनाह में रहता हूँ और इन क़लीमात की बदौलत किसी ालिम की सख्ती और किसी शैतान के शर से डरता ही नहीं इस कलाम के हैबत से दम बखुद रह गया और सर झुका लिया थोड़ी देर के बाद सर उठाकर बोला कि अबुल हमजा ए अबु हमजा ये हज़रत अनस की कुन्नीत है यह क़लिमात मुझे बता दीजिए हज़रत अनस रदी अल्लाह तु ने फरमाया मैं हरीस तुझे न बताऊँगा इसलिए कि तू इसका अहल नहीं यानी तू इसके लायक नहीं है रावी का बयान है कि जब हज़रत अनस अनसरदी तौ का आखिरी वक्त आ गया तो उनके ख़ादि हजरत अब्बान रदी अल्लाह तन हो उनके सिरहाने आकर रोने लगे हजरत अनस अल्लाह ने फरमाया क्या चाहता है हजरत अब्बान रदी अल्लाह तहन ने अर्ज़ की वो कलिमात हमें तालीम फरमाइए जिनके बताने की हजाज ने दरख्वास्त की थी और आपने इनकार फरमा दिया था हजरत अनस अल्लाह ने फरमाया लो सीख लो इनको सुबह शाम पढ़ना वो ये हैं देखिए कौन से कलिमाते हैं बहुत ही बाबरकत अनस अनसरदी अल्लाह ताल देखे बसमिल्रि बिस्मिल्लाही अला नफसी वदीनी बिस्मिल्लाही अला अहली व माली व अला मा आला अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु अल्लाकबर अल्लाकबर अल्ला अकबर व अज़्ज़ु व व वज़मू وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد फ़ा तवल्ल फिलह अल्ला तवक्ल तो व रबार और इस दुआ को तीन मरतबा सुबह को और तीन मरतबा शाम को पढ़ना बुजुर्गों का मामूल है इनशा पार्ट नंबर टू फिफ्टी एट में आगे पढ़ेंगे